प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में स्थित दवा निर्माता कंपनी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। उनका आरोप है कि कंपनी में कार्यरत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चहेते कर्मचारियों का फायदा देने के लिए अन्य कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा लागू की गई पॉइंट सिस्टम रूल को भी गलत ठहराया है और उन्होंने कहा है कि उसे हटा देना चाहिए। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में स्थित दवा निर्माता कंपनी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। उनका आरोप है कि कंपनी में कार्यरत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चहेते कर्मचारियों का फायदा देने के लिए अन्य कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा लागू की गई पॉइंट सिस्टम रूल भी गलत है और उसे हटा देना चाहिए। हड़ताल में शामिल महिला कर्मचारी ने कहा कि पॉइंट सिस्टम रूल के कारण चहेतों के काम भी दूसरों से लिए जा रहे हैं और इसी की आड़ में कई लोगों से रोजगार भी छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी में चापलूसों के कारण अन्य लोगों की अनदेखी भी हो रही है। कर्मचारियों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग है कि कंपनी बिना किसी वजह और सूचना के किसी को नौकरी से ना निकाले, साथ ही कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाए जो कि 5 सालों से नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को निकालना है तो उसे BRS दिया जाए। उन्होंने कहा कि मांगे जब तक मानी नहीं जाती है तब तक वे हड़ताल जारी रखेंगे। अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे कुछ बंदों को एक रेटिंग के साथ निकाला जाता है, चाहे वो पूरा साल काम करे, वो कोई मैटर नहीं करता उनके लिए, बट वो अगर फेवरेट नहीं है तो उनको निकाल दिया जाएगा। चाहे अगर वो फेवरेट है तो वो 1.5 साल तक चाहे कंपनी ना आए, साल भर कंपनी ना आए, उनको प्रमोशन दी जाएगी और उनको अच्छी रेटिंग भी दी जाएगी और उनको दूसरों से हमेशा आगे रखा जाएगा। इवन उनका काम भी हमसे करवा लिया जाएगा। उनके साथ मैनेजर खुद बैठ के उनका काम हमें डिवाइड करते हैं कि आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इवन हमें यहाँ तक बोलते हैं, जब हम जाते हैं कि सर हमारी रेटिंग ये क्यों है, तो हमें ये बोला जाता है कि आप तो कभी हमारे पास आए नहीं थे। मीन्स अगर हम सर के पास जाएंगे, उनको हाई हेलो बोलेंगे, तो वो उनको 3 रेटिंग में सबसे हाईएस्ट रेटिंग मैं रख देंगे। अदरवाइज वो मेरे को पुअर परफॉर्मेंस में रख के हमेशा पीछे धकेलते रहेंगे, हराश करते रहेंगे। अगर ये बात हम जाके HR में बोलना चाहते हैं, इवन मैं अमरीनाल सर यहाँ पे हैं, तो मैं एक बार उनसे बात करने गई तो वो 3 दिन तक 8-8 घंटे वो HR में बिठाए रखते हैं रिसेप्शन पे, और वो हमसे आके एंटरटेन नहीं करते, ना हमसे कोई बात करते कि हमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं पूछा जाता हमसे। और अगर हम किसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो हमें ये बोला जाता है कि तुम सच बोलो। क्या हम अपने लिए झूठ बोलेंगे या हमने अपने करैक्टर के लिए झूठ बोलना है किसी को? तो हमें ये बोला जाता है कि तुम सच बोलो। मतलब जिसको हम विक्टिम ठहरा रहे हैं, जो बंदा गलत कर रहा है, जिसको हम विक्टिम ठहरा रहे हैं, वो उनके लिए सही बंदा है और जो उसके लिए आवाज उठा रहा है वो उनके लिए गलत बंदा है और उसको टारगेट किया जाएगा। तो हमें अच्छी रेटिंग मिल जाएगी और हमें निकाला भी नहीं जाएगा, हमें ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी मिल रही है कंपनी में, तो हमें कोई ये स्ट्राइक वगैरह करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली रेटिंग सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दो ताकि कोई किसी का फेवरेट ना हो। अपने काम से हर बंदा काम रखे और उसके काम के बेस पे उसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने फेवरेट। किसी को रेटिंग बेस पे निकाला ना जाए, जबरदस्ती किससे रिजाइन ना लिया जाए, जबरदस्ती किसको टर्मिनेट ना किया जाए। यहाँ पे पवन चड्डा, अश्विनी चड्डा और साहू निकाले गए, अभी तो किसी को जॉब नहीं मिली है। इकबाल सिंह को जॉब नहीं मिली है अभी तक, मौर्या जी भी, इनको मौर्य ने रेटिंग बेस पे इनको निकाला, अब तक जॉब नहीं मिली है। और 5 साल से अभी तक बेसिक सैलरी नहीं बढ़ी है किसी की भी, यहाँ जितने एम्प्लॉइज है किसकी बेसिक सैलरी नहीं बढ़ी है। ये भी बड़े बढ़ाई जाए, 8 घंटे से ज़्यादा किसके ड्यूटी ना ली जाए, अगर ली जाती है तो उसको ओवर टाइम मिले। अगर कोई डाटा इंटीग्रिटी इशू होता है उस केस में मैक्सिमम 15 दिन का सस्पेंशन हो, ना कि जॉब जाए। अगर किसी को बदले घर भेजना है या तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग BRS दे जाए। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि अगर हमें निकालना है यहाँ से तो हमें BRS मिलना चाहिए, बस फाइनल बात। रेटिंग सिस्टम बंद किया जाए, रेटिंग सिस्टम बंद होना चाहिए। हमारी मांग ये है कि रेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर कम्प्लीटली बंद। अगर हम अभी मीडिया के सामने बोल रहे हैं तो ये हमें टारगेट करेंगे इस बात के लिए। हम स्ट्राइक पे रहेंगे, जो कानून नहीं, हम खुद हमें यहाँ पर अंदर बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। इन्होंने बोला है कि आप अंदर आकर के हम उनसे बात कीजिए और बात करने के बाद से हम यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म पे डिसाइड करेंगे कि क्या हो रहा है। तो इस बेस पे जो है, इस बेस पे हमारा ये कोई स्ट्राइक नहीं है, हमारी डिमांड है।